नमस्ते, केम छो? मजामा? मैं हूँ मोदी और आज है मेरा 30 डे वेजिटेबल चैलेंज का 12वां दिन, यानी day 12 ऑफ माय 30 डे वेजिटेबल चैलेंज। अभी तक आपने कमेंट में नहीं बताया, तो मैंने भी इस बार भी अपने मूड के हिसाब से ही वेजिटेबल पिक की है, और वो है करेला। ये मेरी फेवरेट वेजिटेबल है और मैं इसे 2 ही तरह से खाती हूँ। एक जो पहली वाली रेसिपी थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अभी आज हम बनाएंगे मेरी दूसरी वाली रेसिपी, जो भी मेरी फेवरेट है। तो सबसे पहले हम करेला ले लेंगे और उसे हमें कर लेना है वॉश। फिर उसके जो कॉर्नर से वो निकाल देंगे। अगर आपको बीज भी पसंद नहीं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उसे रहने दूंगी। जो हार्ड वाले हैं वो ऐसे कट करते समय आएंगे तो मैं निकाल दूंगी, बाकी जो सॉफ्ट है वो बीज को मैं वैसे ही रहने दूंगी। अभी हमें करेले को जो है ऐसे पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। सारे करेले को हमें ऐसे ही स्लाइस में इवनली काट लेना है, हो सके उतना आप पतला काटिए। बस ये हमारे सारे जो करेले हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमें इसमें डालना है नमक। हम पहले डालेंगे थोड़ा सा नमक, फिर हम उसे कर लेंगे अच्छे से टॉस, ताकि जो नमक है वो अंदर तक चला जाए। फिर वापस से हम थोड़ा नमक डालेंगे और वापस से टॉस करेंगे। ऐसे करते करते हम थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाएंगे और उसे टॉस करते जाएंगे, जब तक पूरे करेले में नमक लग नहीं जाता। एक बार ये टॉस करने के बाद नमक लग जाए तो हम उसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए ढक के। ये 15 मिनट के लिए रेस्ट हो रहा है, तब तक हम ले लेंगे यहाँ पे 2 अनियन और उसे हमें संभाल लेना है। जिसके लिए सबसे पहले मैं उसे काट लूँगी और उसके जो छाल है यानी उसको पील कर लूँगी, उसके छिलके निकाल लूँगी। उसके बाद मैं उसे अच्छे से काट लूँगी। हमें जो अनियन है उसे भी करेले की तरह ही पतला काटना है, तो मैं उसके हो सके उतने थिन स्लाइस करूँगी। अगर आप चाहे तो मोटा भी रख सकते हो, लेकिन आप जितना थिन करोगे उतनी ये जो रेसिपी है वो कुरकुरी और टेस्टी बनेगी, इसलिए मैं हो सके उतना इसको पतला काटूँगी। मैंने यहाँ पे सारे अनियन काट के तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम ले लेंगे पानी और उसमें जो हमारे ये सारे कटे हुए अनियन हैं वो हमें डाल देने हैं। ये हो गए तो अब हम जो बर्तन में करेले की रेसिपी बनाने वाले हैं उसी में हम जो अनियन है वो धुले हुए निकाल देंगे। बस ये हमारे जो अनियन है वो निकल गए हैं, तो हम उसे कर लेंगे साइड पे और उसे थोड़ी देर रख लेंगे। तब तक यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है, तो मैं इसे जो करेला है वापस से टॉस कर दूंगी और वापस से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। और 15 मिनट और रेस्ट हो जाने के बाद उसे टॉस कर लेंगे। अब ये रेडी है, तो हम इस करेले के ऐसे निचोड़ लेंगे अच्छे से, ताकि जो नमक वाला पानी है वो निकल जाए। यहाँ पे करेले के साथ जो नमक वाला पानी निकलेगा वो करेले की जो करवास है वो भी निकालेगा, इसलिए आप हो सके उतना उसको दबा के निचोड़ना और हो सके उतना सारा उसका पानी निकाल दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ वैसे ही। जितना पानी निकलेगा उसकी करेले की करवास उतनी ही कम होगी। बस एक बार ये अच्छे से पानी निकल जाए तो वो करेले को हम उसी बर्तन में उस प्याज के साथ रख देंगे। वैसे ही हम सारे करेले का पानी निकाल देंगे और उस बर्तन में प्याज के साथ डाल देंगे। देखिए, मैंने सारे यहाँ पे करेले को ऐसे ही कर दिया है और ये पानी है जो करेले का मैंने निकाल दिया है। अब ये करेले रेडी है पकने के लिए, तो हम बनाएंगे इसकी रेसिपी। तो चलिए करते हैं कुकिंग। इसके लिए इस पैन को हम रख देंगे एक गैस पे और कर लेंगे गैस को ऑन। बस उसमें हम डालेंगे तेल और तेल डालने के बाद हमें कर लेना है इसको अच्छे से मिक्स, ताकि जो ऑयल है वो हर जगह लग जाए, जिसकी वजह से ये जो रेसिपी है पकने के समय
बिल्कुल भी पैन में चिपके नहीं। ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम उसे ढक देंगे। हम इसे 3 से 5 मिनट तक ढक के ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद एक बार इसको ओपन करें और उसको अच्छे से मिक्स करें। फिर मिक्स हो जाने के बाद आप वापस से उसे थोड़ी देर पकने दीजिए। जब तक के लिए आप अपना मसाला रेडी कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हमें घुमाते हुए इसको भूनना है और उसके बाद 50% जब ये रेसिपी रेडी हो जाए हम उसमें डाल देंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी। हमें इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड करना नहीं है क्योंकि हमें इससे नमक में ही पानी में ही रखा था, इसलिए इसमें अब रेसिपी में नमक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बस ये मसाले हम डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत लगे तो उसमें ऑयल ऐड करेंगे। अभी बस इसे ऐसे ही हमें कुक होने देना है। हम ऐसे ही थोड़ी देर उसको चलाते हुए इसको पकने देंगे, फिर थोड़ी देर के उसको रेस्ट कर देंगे, फिर वापस से ऐसे ही हमें हल्लाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि जो रेसिपी है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। देखिए ये बिल्कुल टेस्टी बनके तैयार हो चुकी है हमारी करेले की कुरकुरी रेसिपी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना और हाँ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।